गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और इस पर आधारित जो ट्रांसलेशन होगा उसको आप लोग बनाने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना चाहिए कि आखिर टेंस टाइम एंड टेंस टेंस है क्या। टाइम एंड टेंस जो हम बोलते हैं वह वास्तव में क्या है। तो बच्चों, टाइम और टेंस दो ऐसे शब्द होते हैं जिनमें संबंध भी होते हैं और अंतर भी होता है। दोनों में संबंध भी है और साथ ही साथ भिन्नता भी पाई जाती है। तो टाइम जो है वह एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। टाइम जो है एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, सॉरी ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म माना जाता है। दूसरा है कि टाइम जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, अर्थात यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है, जबकि टेंस जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, अर्थात यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। अब रहता है कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों कि टेंस का प्रयोग विशेष रूप से वर्ब फॉर्म का निरूपण करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखें, बीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। अब इन दोनों वाक्यों को देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बोध होता है। बिना पास्ट में भी रविवार को पिक्चर जाती थी, प्रेजेंट में जाती है और भविष्य में भी जाएगी। उसी तरह से आप दो को भी समझ सकते हैं कि हवाई जहाज 5 बजे उड़ता है, उड़ता था और उड़ेगा। इसलिए ऊपर दिए गए वाक्यों से यह स्पष्ट है कि भर्व के टेंस को सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। बच्चों, अब हम आपको टेंस के काइंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टेंस जनरली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस उस टेंस को कहा जाता है जो काम वर्तमान समय में होता हो या एक लंबे समय से होता रहा हो। जैसे मान लिया जाए कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। ये सभी आपको प्रेजेंट टेंस के प्रतीक माने जाते हैं। और मैंने आज तक वीडियो में आप लोगों को ट्रांसलेशन का मेथड से बहुत दूर रखा है, इसलिए मुझे आज हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद किस प्रकार किया जाता है उस पर हम कुछ अपना मंतव्य दें और आप लोग इसे अवश्य ही बनाएं। तो सबसे पहले आप जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान एक सामान्य तौर पर क्या है। तो आप यही सामान्य तौर पर जानिए कि जो मुख्य क्रिया होती है उसका अंत में ता है, ती है, यदि हम
लगा हुआ देखते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने। जैसे गाय दूध देती है, मैं स्कूल जाता हूँ, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो देख रहे हैं ता है ती है ताहूँ ते हैं इत्यादि शब्द लगे हुए हैं। और इस तरह से यह साबित हो रहा है कि यह वाक्य जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब वाक्य जब आप पहचान ही लिए हैं तो इसके बनाने का मेथड क्या है, इस पर भी आप ज़रा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका सब्जेक्ट लिख लें। जैसे मान लिया कि गाय दूध देती है, तो पहले गाय का स्पेलिंग लिखें, उसके बाद में दूध का नहीं लिखें, उसके बाद देना का लिखें। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि देना के अंग्रेजी गिव होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यह विशेषता होती है कि सब्जेक्ट के अनुसार मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। यही मुख्य रूल है और इसी बात को समझना होता है। इसलिए आप जो है कि नहीं, यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगा। मैं, तुम, हम लोग, वे लोग और बहुवचन करता, इनके साथ में आप मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ें। बाकी जो बच जाते हैं वह है, या फिर कोई लड़का का नाम है, कोई लड़की का नाम है, कोई जानवर है, इसके साथ में आप मुख्य क्रिया में एस या ईएस अवश्य ही लगा। जैसे सीता अंग्रेजी सीखती है तो सीता लर्न्स इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी सीखता हूँ तो आई लर्न इंग्लिश। मुख्य रूप से यही ध्यान देना है कि किस भर में एस या ईएस लगेगा और किस भर में एस या ईएस नहीं लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो भिन्न भिन्न फॉर्म है बच्चों, जैसे सीता अंग्रेजी सीखती है, क्या सीता अंग्रेजी सीखती है, क्या सीता अंग्रेजी नहीं सीखती है, सीता अंग्रेजी नहीं सीखती है, सीता अंग्रेजी कहाँ सीखती है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि सीता को ही कई एक रूप में बदल दिया गया है, जिसका कि भिन्न भिन्न तरह से नामकरण भी है। इंट्रोगेटिव इसका बनाए हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए हैं, निगेटिव बनाए हैं और डब्ल्यू एच वर्ड बनाए हैं। तो यदि वाक इस तरह से हो तब उसका अनुवाद करने के लिए आप क्या करेंगे। तो बच्चों याद रखें, यदि आपके वाक्य के शुरू में क्या लगा हो और आप देखें कि हमारा जो मुख्य क्रिया है उसमें एस या ईएस नहीं लगा है, तब आप आरंभ में डू का प्रयोग कर दें। तो डू लिखें, सब्जेक्ट लिखें, क्रिया का पहला रूप लिखें और बाकी जो चीज़ें हैं उसको लिख दें। अगर क्या नहीं लगा हुआ है, जैसे क्या राम अंग्रेजी नहीं सीखता है, तो उस स्थिति में आप डजंट का प्रयोग करें। इसके साथ डू नॉट नहीं, डजंट आरंभ में लगा दें, फिर सब्जेक्ट दें और फुल मूल क्रिया का पहला रूप दे दें, और फिर बाकी जो बचे हुए शब्द हैं उसको लिख दें। अब उसके बाद में यदि निगेटिव हो तो इसके लिए आप सब्जेक्ट लिखें, फिर डू नॉट डज नॉट वाक्य अनुसार करें, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखें और फिर उसके बाद में जो कुछ शब्द और एक्स्ट्रा हो उसको लिखें। डब्ल्यू एच बढ़ाने के लिए भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जाता है। डब्ल्यू एच वर्ड का अंग्रेजी लिख दें और डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करें, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर क्रिया का पहला रूप लिखें।
और फिर उसके बाद जो शेष शब्द है उसको लिखें। इस तरह से आप लोग एक वाक्य से पांच वाक्य बनाएं। हम लोग प्रातः काल टहलते हैं, मेरी माँ मंदिर जाती है, लड़के शाम में खेलते हैं, गायें मैदान में चरती है, मैं पिताजी की आज्ञा मानता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, हरी प्रातःकाल चाय पीता है, हरी प्रातःकाल चाय पीता है। तो आप लोग इन सभी को पांच पांच फॉर्म में बनाना है, बनाएंगे और प्रैक्टिस जारी रखेंगे। थैंक यू।